YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने पांच रसगुल्ले के डब्बे रखे हुए हैं। हर डब्बे के अंदर 10-20 रसगुल्ला है। तो आज का जो चैलेंज होने वाला है वो रसगुल्ला ईटिंग चैलेंज है। तो जो सबसे कम समय में खाएगा सबसे पहले उसे 700 का इनाम दिया जाएगा। तो हमारे फर्स्ट चैलेंजर ग्रुप में पवन कुमार आए हैं, तो देखते हैं खा पाते हैं कि नहीं। तो मैं टाइम को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट भाई साहब, टाइमर हो गया है शुरू। अब देखना है कि पवन कुमार जीत पाते हैं कि नहीं। आज का जो चैलेंज है वो 700 रुपये का ईटिंग चैलेंज है। और ये 10 सेकंड का समय हो गया है, दो रसगुल्ला खा चुके हैं, तो देखते हैं ये जीत पाते हैं कि नहीं। घमासान युद्ध शुरू हो चुका है भाई। टाइमर शुरू होते ही पवन कुमार रसगुल्ला पे टूट पड़े हैं। देख रहे हैं कि जीत पाते हैं कि नहीं। पूरा सूझबूझ के साथ ये खा रहे हैं। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। बहुत बढ़िया, आराम से, आराम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक डब्बा में 10 रसगुल्ला है। 10 रसगुल्ला को जो कम समय में सबसे पहले खाएंगे वही इनाम की राशि ले जा पाएंगे। देखते ही देखते 44 सेकंड का ये रास्ता तय कर चुके हैं, तो देखते हैं ये जीत पाते हैं कि नहीं। जीत लेगा। इस चैलेंज को जीतने के लिए चाहिए समय, समय में बहुत गति चाहिए और वही गति है पवन कुमार में। ऐसा लग रहा है पवन कुमार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये इनाम की राशि ले जाएंगे। 1 मिनट 3 सेकंड हो गया है अभी ने, इसने बहुत अच्छा चाल चली है। देखते हैं जीत पाते। और ये लास्ट रसगुल्ला भी पवन कुमार खा लिए हैं। 1 मिनट 8 सेकंड के अंदर इसने खा लिया है। तो एक बार तालियां हो जाए इसके लिए। तो हमारे सामने सेकंड चैलेंजर के रूप में मजहर इमाम साहब आए गए हैं, तो देखते हैं ये जीत पाते कि नहीं। तो आपको 1 मिनट 7 सेकंड के अंदर खाना है 10 रसगुल्ला, तो देखते हैं ये खा पाते कि नहीं। तबसार भाई, टाइमर को शुरू कर दीजिए, स्टार्ट। खाइए भाई, खाइए। तो हम देखते हैं मजहर इमाम भाई किस स्पीड से खाते हैं और कितना जल्दी खाते हैं। तो आज की जो इनाम की राशि है वो 700 रुपया है। इनाम की बात की जाए तो 700 का इनाम है। तो देखते हैं कौन हमारे आज के विनर होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आज का जो चैलेंज है वो है पहले खाओ और पहले पाओ का चैलेंज है। जो पहले खाएंगे वही इनाम की राशि ले जा पाएंगे। और ये आधा मिनट का समय सीमा पूरा हो चुका है। बहुत ही अच्छी गति बनाए हुए है। इनके शरीर पर मत जाइए, इनके शरीर देख के मत डरिए। बड़े बड़े पहाड़ों को ये जो है शूट कर रही है, इसीलिए इनको चैलेंजर को बुलाया गया है, स्पेशल चैलेंजर। इनके बॉडी डाला पर मत जाइए, बहुत कुछ छिपा हुआ है इनके पीछे। हमारे मजहर भाई बहुत से प्राइज हर जगह जीत के आए हुए हैं। और ये दो रसगुल्ला बचे हैं। इमाम साहब आगे बढ़े हैं, देखते हैं ये जीत पाते हैं कि नहीं। 1 मिनट 5 सेकंड हो चुका है और ये मजहर भाई हार चुके हैं। इस चैलेंज को हार चुके हैं। तो मजहर भाई आए, अपना साहस और धैर्य का परिचय दिया मजहर भाई के लिए। हमारे चैलेंजर के रूप में अरुण भाई आ चुके हैं। तो इसे जीतने के लिए 1 मिनट 7 सेकंड के अंदर 10 रसगुल्ला खाना होगा, तभी जीत पाएंगे, वरना ये हार जाएंगे। तो देखते हैं ये जीत पाते हैं कि नहीं। तब सर भाई, टाइम को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट। तो टाइमर हो गया है शुरू। और इस चैलेंज में बने रहना है तो खाने की गति बढ़ानी पड़ेगी। यदि गति नहीं रहेगी तो आप इस चैलेंज को नहीं जीत पाएंगे। बस कदम बढ़ाए जाना है, रफ्तार बनाए रखना है। अरुण भाई बहुत अच्छा कोशिश किए हैं, बहुत हिम्मत करके आए हैं इस चैलेंज में बने रहने के लिए। बहुत अच्छा कोशिश। गति खाइए, 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 मुश्किल नहीं, खाइए खाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरुण भाई नवाला ले रहे हैं, इधर उधर कहीं निकल नहीं रहा है। आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 38 सेकंड का समय सीमा पूरा हो चुका है। 40 सेकंड हो चुका है और 4 रसगुल्ला बचा हुआ है। देखते हैं जीत पाते हैं कि नहीं। पानी के घोट बीच बीच में ले रहे हैं ताकि पीस जो है तो बना हुआ है। और ये 1 मिनट का समय सीमा पूरा हो चुका है। 2-3 रसगुल्ला बचा हुआ है अभी भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। लीकेज भी कहीं से नहीं है। और ये अरुण भाई चैलेंज को हार चुके हैं। इसके लिए ताली हो जाए। हमारे फोर्थ चैलेंजर के रूप में अमित भैया आ चुके हैं, तो देखते हैं ये आज जीत पाते हैं कि नहीं। इसे भी 10 रसगुल्ला 1 मिनट 7 सेकंड के अंदर खाना होगा, तभी जीत पाएंगे, तभी इनाम की राशि घर ले जा पाएंगे, अन्यथा ये भी आज हार जाएंगे।
अब मैं टाइम को स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट। और ये टाइमर हो गया है शुरू। अमित भाई चैलेंज में आए हैं, एक्सेप्ट किए हैं चैलेंज को, देखना है अमित भाई इस चैलेंज को स्वीकार तो किए हैं लेकिन जीत पाते हैं कि नहीं, और इनाम की राशि ले जा पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं इमान भाई, 15 सेकंड का समय सीमा अच्छा, पूरा हो चुका है, खा चुके हैं, देखते हैं जीत पाते हैं कि नहीं। रफ्तार तो बता रहा है कि ये बाजी मार देंगे। बहुत अच्छी गति पकड़ी है, बहुत ही सूझबूझ के साथ ये खा रहे हैं, देखते हैं जीत पाते हैं कि एक नई योजना है। होली के पिचकारी के साथ ये जो है सो रसगुल्ला को ले रहे हैं आराम से खत्म हो गया, खत्म पूरा खाने दीजिए जो खाली उसको खत्म करने दीजिए। चलिए एक मिनट खा लीजिए। इसमें कहाँ होले ना, पानी दिए आराम से। देखते हैं एक मिनट से पहले खा पाते हैं कि नहीं। और ये एक मिनट एक सेकंड में खा लिए हैं अमित भाई के लिए तालियां। तो हमारे लास्ट चैलेंजर के रूप में, अंतिम चैलेंजर के रूप में आ चुके हैं जवाज भैया, तो इसे भी एक मिनट दो सेकंड के अंदर 10 रसगुल्ला खाना होगा तभी ये जीत पाएंगे, तभी इनाम की राशि घर ले जा पाएंगे, अन्यथा भी हार जाएंगे। देखते हैं ये जीत पाते हैं। अफसार भाई टाइमर को शुरू कर दिए, स्टार्ट करते हैं। अफसार भाई टाइमर शुरू कर दिए हैं और जवाज भाई बहुत ही बढ़िया नए टेक्निक के साथ खा रहे हैं, एक बार में दो दो रसगुल्ला खा रहे हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजर हैं। रसगुल्ला जा कहाँ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, रसगुल्ला किधर जा रहा है, जिस गति से खा रहे हैं ऐसा लग रहा है जवाज भाई इनाम की राशि ले जाएंगे। इससे पहले एक बार सोचता होगा कि किसने हमारा पाला पड़ा हुआ है, रसगुल्ला के मास्टरमाइंड है खाने में। सबसे पहले आराम से 25 सेकंड के अंदर ये 8 रसगुल्ला खा गए हैं। 10 ये बाकी है। एक मिनट थोड़ा सा मुंह में बचा हुआ उसको भी खा ले दीजिए। और ये जो विनर होता है वो जवाज भैया होते हैं। फिर से एक बार चुना गया जवाज भैया, तो आपको जीत के कैसे लग रहा है? पता था कि आप जीतेंगे कि नहीं? कॉन्फिडेंस तो था कि जीत जाएंगे, पूरा हौसला के साथ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए थे घर से और इनाम की राशि घर ले जा चुके हैं। इसको हम इनाम की राशि देते हैं 700 का। भूखा भी आया था कह रही खा के तकनीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।